23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ के मोक्ष सप्तमी के अवसर पर 10 व 11 अगस्त को श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज कोलकाता द्वारा 11वीं ध्वज यात्रा कराई जाएगी, जिसे लेकर यूथ विंग में विशेष उत्साह है। कोलकाता के बेलगछिया स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ उपवन मंदिर से तीर्थराज श्री समिध शिखर जी की 11वीं ध्वज यात्रा 2024 कराई जाएगी। यह यात्रा 23वीं तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के अवसर पर 11वीं बार कराई जा रही है। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज कोलकाता द्वारा यह यात्रा कराई जाएगी। विगत 11 वर्षों से कलकत्ता से पार्श्वनाथ शिखर जी तक ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें हम यात्रियों को यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पहाड़ पर भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष सप्तमी के उपलक्ष में लड्डू चढ़ाते हैं और वहाँ यात्रियों की सेवा के लिए मेडिकल कैंप लगाते हैं और वहाँ पे एक विशाल ध्वजा यात्रा निकाली जाती है रजत ध्वजा के साथ में। ये हमारा 11वां वर्ष है। वहाँ हमने 108 फुट लंबी एक जैन ध्वजा लगाई है आज से 6 साल पहले। उसको हम लोग हर साल नई ध्वजा का अनावरण करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्री दिगंबर जैन बेलगछिया मंदिर जी से दिनांक 9 अगस्त को श्री समीर शिखर जी के लिए रवाना होंगे और वापस दिनांक 12 तारीख को हम लोग कलकत्ता के लिए आएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ श्री समीर शिखर जी की यात्रा में चले और हमारे ध्वज यात्रा को सफल बनाए। इस वर्ष हम लोग श्री 48 दीपकों से तामर स्रोत का पाठशुल्क मेडिकल कैंप की व्यवस्था कटपुल में की गई है, जिसमें हम लोगों को खाद्य पदार्थ और मालिश और जितनी हो सके सेवा हम लोगों को प्रदान करेंगे। सभी तीर्थयात्रियों को श्री समिध शिखर जी में तीर्थंकरों के चरण चिन्हों पर पंचरंगी जैन ध्वज फहराने का अवसर प्राप्त होगा। सभी यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जैन फोकस के लिए कोलकाता पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट।